नमस्कार दोस्तों, बीआर शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, लीज पे। तो लीज पे आप इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमसे मांगते रहते हैं, और ख़ास तौर पे फ्रंट साइड की लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में और रूफ राइड की प्रॉपर्टी हो तो मज़ा आ जाए। ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको फ्रंट में बालकनी मिलती है, बहुत बढ़िया सेपरेट टू बेडरूम्स, एक अच्छी सी कवर्ड किचन, एक बढ़िया सा लिविंग हॉल, रूफ राइट्स अप्रोप्रिएट 65 गज के आसपास का साइज़, कार पार्किंग, लिफ्ट, और मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा पास में आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। काफ़ी ज़्यादा पास तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक पास में है। अगर आप इसको गूगल मैप पे स्पॉट करना चाहते हैं तो आप लाल फार्म मोहन गार्डन को डाल के स्पॉट कर सकते हैं, उस लोकेशन की ये प्रॉपर्टी है। काफ़ी बढ़िया प्राइस पे आपको मिल रही है, और अच्छे टेन्योर के साथ में इस तरह की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लीज़ पे हमारे पास आती रहती हैं, तो उसी में का एक प्रोडक्ट ये है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे कि आपको एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। इसका कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं। आप इस कोड के साथ में नीचे लिखे हुए नंबरों पे स्टेटस चेक करके, अगर ये अवेलेबल है तो इसे विजिट करके लॉक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, दोबारा से आपको बोलना चाहूँगा। सर्दियों में धूप चाहिए होती है, यहाँ पे छत भी है धूप के लिए और बालकनी भी काफ़ी अच्छी है। आइए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। आ जाइए हमारे फ्लैट में। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको हर फ्लोर पे मिलते हैं 6 फ्लैट, 6 में से एक हमारा ये वाला फ्लैट है। सबसे पहले मैं आपको गेट क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, छत से धूप सेक के आ रहे हैं। आपके घर में भी अगर है तो वो भी धूप सेक सकते हैं। एक तरह से रूफ राइट्स आपके हैं, बट अगर आप मिलजुल के ऊपर नीचे वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते हैं, ताला चाबी के साथ लॉक रखना चाहते हैं अपनी छत, वो भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। 6 फ्लैट एक फ्लोर पे होने के कारण यहाँ पे जो हमें नीचे पार्किंग स्पेस मिलता है वो काफ़ी मैसिव और काफ़ी बड़ा सा मिलता है। अभी नीचे जाएंगे तो मैं आपको एक बार पार्किंग अवश्य दिखा दूंगा। छत पे दिखाने की स्थिति नहीं है अभी, क्योंकि धूप के माहौल के कारण सब लोग अपना तेल के डब्बे लेके आराम से ऊपर बैठे हैं, तेल लगा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। अभी आपको मैं प्रॉपर्टी का लेआउट बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी के डायमेंशन कुछ आपको ऐसे मिलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है। 10x12 का लिविंग हॉल है। इसके अंदर जो आप सामान देख रहे हैं, सोफ़ा एंड ऑल, ये सब आपको नहीं मिलेगा, बट बाकी जो प्रॉपर्टी में फिक्स्चर्स हैं वो सब आपको मिलेगा। ऊपर की ओर देखते हैं, लाइट और फैंस वर्किंग कंडीशन में आपको मिलेंगे, वर्किंग कंडीशन में आपको रिटर्न करने होते हैं, और वॉलपेपर एंड ऑल है और सब कुछ ठीक ठाक है। किचन काफ़ी अच्छे से सेपरेटली बनी हुई है, यहाँ पे चिमनी लगी हुई है किचन के अंदर, और शाफ्ट इधर की तरफ मिलती है हमें, ओवरहेड स्टोरेज मिल जाता है, नीचे आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्लाइडर स्टोरेज, तो कुछ इस तरह से आपको एक किचन मिलती है। हाँ, डायमेंशन अगर आप देखते हैं किचन के, तो इसकी गहराई मिलती है आपको 8 फीट और चौड़ाई मिलती है आपको 5.5 फीट के आसपास। यहाँ से आते हैं आप आपके कॉमन वॉशरूम में। दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम, जिसके अंदर हमें साइज़ मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, ये तो शाफ्ट हो गई हमारी, सीट काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है, और सीट के आगे यहाँ से यहाँ तक 4 फीट का एरिया ऐसे मिलता है और 4 ही फीट का एरिया ऐसे मिलता है, तो आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये आपका कॉमन वॉशरूम है। अब थोड़ा पीछे जाइए। इस फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे हमारे दोनों बेडरूम्स। तो दो बेडरूम्स के अंदर इस वाले में अटैच वॉशरूम मिलता है और इस वाले में अटैच बालकनी मिलती है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। आ जाइए आगे, यहाँ पे आपको मिलता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 11 फीट की लंबाई ऐसे मिलती है आपको, 9 फीट की ऐसे मिलती है, 11x9 के साइज़ में बेडरूम नंबर 1 है। दोस्तों, हमारी जो L1 प्रॉपर्टी थी, लीज की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में, और ये प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट उसी लोकेशन की है और ऑलमोस्ट सेम लोकेलिटी और सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में बनी हुई है। और इस प्रॉपर्टी में आपको एक अच्छी चीज़ क्या मिलती है, अगर आपको लोकल मार्केट एट ऑल एक्सेस करनी है तो आप डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप गूगल मैप पे इसका डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं एग्जैक्टली द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, तो आप गूगल मैप पे डाल सकते हैं लाल फार्म, LALFARM, लाल फार्म, वो बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा पास में है। इधर से आते हैं थोड़ा आगे, यहाँ से आपको मिल जाता है स्पेस
ऐसे बना हुआ है ये 6 फीट कंप्लीट, और ऐसे बना हुआ है ये 4 फीट, 6x4 के साइज़ में हमारा वॉशरूम है। सीट बिल्कुल अच्छे से प्लेस्ड है, और इस वॉशरूम को वेंटिलेशन हमें मिलती है डायरेक्टली हमारी बालकनी से। दोस्तों अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, जो प्राइस के अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही है, मात्र 8 लाख रुपये आपको इस प्रॉपर्टी के लिए देने हैं, और उसके बाद में जब आपका टेन्योर कंप्लीट होता है आपको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। ये होता है लीज़, तो लीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप आराम से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जितने समय के लिए भी आप इसके टेन्योर को लेते हैं। 2 साल के आसपास लगभग जो ये टेन्योर आपको मिल रहा है, उस टेन्योर के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और बाद में पैसा रिटर्न कर देना है, सॉरी रिटर्न ले लेना है। तो इस तरह के ऑप्शंस बहुत कम आते हैं मार्केट में, ख़ासतौर पर जब प्रॉपर्टी ऐसी हो। जनरली जो लीज़ में प्रोडक्ट आते हैं वो इस कंडीशन में नहीं होते हैं। खैर, इस रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डायमेंशन मिलते हैं लगभग 11 फीट, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये हमें मिल जाता है 9 फीट। 11x9 का हमारा बेडरूम नंबर 2 है, 6x6 का बेड लगा होने के बावजूद हमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है। एक बार इस पॉइंट पर आइए, इस तरफ आना पड़ेगा आपको ताकि मैं आपको सामने बनी हुई एक बढ़िया सी वार्डरोब दिखा सकूं। वार्डरोब देख लिया आपने, एक बार ऊपर नज़र मार लीजिए, लाइट और फैंस, और आपको दिख रहा होगा इसमें ये जो धूप दिख रही है आपको, यहाँ पे धूप दिख रही होगी, इस पूरी विंडो से इस बेडरूम में धूप आती है। दोपहर के 3 बज रहे होंगे, 3 या 3:30 बजे का समय होगा, बहुत अच्छी धूप आपकी प्रॉपर्टी में आती है, तो आपको धूप की टेंशन नहीं लेनी अपनी प्रॉपर्टी में। वापस उधर चले जाइए, अभी आते हैं वापस हमारी बालकनी में। दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी फ़िलहाल गंदी है बट लेट इट बी। इसका जो डायमेंशन आप देख रहे हो, 12 फीट लंबी बालकनी आपको मिलती है, चौड़ाई में देखते हैं तो लगभग 4 फीट के आसपास चौड़ाई मिलती है, सामने रेलिंग मिलती है, अच्छी हाइट तक आपके बच्चे सेफली इस जो अपनी बालकनी का जंगला है उसको पकड़ के झूल सकते हैं, और नीचे की ओर आपको जो गली का साइज़ मिलता है वो मिलता है 20 फीट चौड़ा। मेट्रो से डिस्टेंस अप्रोप्रिएट है, फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है, धूप देखिए, सर्दी में इस तरह की धूप के लोग तरस जाते हैं, ठंडी ठंडी प्रॉपर्टी रहती है, कोल्ड कोल्ड अंदर से, उसके अंदर मज़ा नहीं आता रहने का, ज़िंदगी का फ़न ख़त्म होने लगता है। यहाँ पे आपको सनलाइट मिल रही है, रूफ राइट मिल रही है, साथ में बढ़िया सी प्रॉपर्टी मिल रही है, और आपको लेके चलता हूँ मैं नीचे पार्किंग दिखाने के लिए, पार्किंग भी बहुत बढ़िया मिल रही है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी कोड के साथ में नीचे लिखे हुए नंबरों पे फटाफट से कॉल कीजिए, ये प्रॉपर्टी आते ही उठ जाती हैं, फिर आप बोलते हैं हाँ जी लीज पे कुछ है क्या, फिर हमें बोलना पड़ता है देख के बताते हैं, मनीष जी बताएंगे, मनीष जी टेक केयर करेंगे इस प्रॉपर्टी का भी। खैर, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे, बस वहाँ पे वही है दिखा के फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, पार्किंग देखना चाहते हैं आ जाइए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पार्किंग भी दिखाऊंगा, तो ये बड़े बड़े डोर्स मिल जाते हैं हमें हमारी पार्किंग के लिए, साथ ही साथ आप अपनी गाड़ी को आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और बिना किसी लाइट के भी पार्किंग में काफ़ी अच्छी लाइट है। और बस ये था आपका पार्किंग वाला पोर्शन, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।